19 सूत्री मांगों को लेकर वन कर्मी पिछले 12 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अपनी मांगों को लेकर 21 लोगों ने कराया मुंडन संस्कार। वन कर्मचारी अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर 24 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और जयंती कुंज स्थित विभाग के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 6 दिनों से इन वन कर्मियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी, लेकिन इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे नाराज वन कर्मियों के हड़ताल के साथ प्रदर्शन के तरीके अब उग्र होते जा रहे हैं। जहां रविवार को जयंती कुंज परिसर में हड़ताल पर बैठे वन कर्मियों ने अनोखे तरीके से विरोध किया और सरकार को मृत बताते हुए उनका कर्मकांड कर डाला। इसके लिए वैदिक रीति रिवाज में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी तरह कर्मचारियों ने भी अपनाई। वहीं सोमवार को सरकार से नाराज 21 वन कर्मियों ने अपना मुंडन संस्कार कराया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये सरकार पूंजीवाद और कर्मचारी मजदूर किसान को कोरी घोषणाएं करते हैं झूठ। किसान भी रहा, कर्मचारी मजदूर भी रहा, और आपको हम लोगों ने अपना मत अधिकार देकर गद्दी में बैठाया था। ये नहीं सोचा था हम लोगों के साथ आप छलावा की नीति अपनाएंगे। बहुत दुख की बात, दिग्गी नहीं पछताया था, दिग्गी नहीं पछताया था, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। हमारी 19 सूत्री मांगे थी, हम लोग 24 तारीख से जो तो अनिश्चितकालीन हड़ताल मध्य प्रदेश के 51 जिलों में हर वन मंडल में वन कर्मचारी स्थायी कर्मी से लेकर रेंज अफसर तक सब शामिल हैं, और आज 12वां दिन हड़ताल का है। और भूख हड़ताल में 30 तारीख से हमारे 4-5 प्रतिदिन कर्मचारी भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं, उसका 6वां दिन है। आज हम लोग जो मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनाएँ और मृत आत्मा हो गई है वन कर्मचारियों के प्रति, और उनके द्वारा जो ये सौतेला व्यवहार हमारे वन कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है, हम लोग इतनी मेहनत से इतनी 24 घंटे वन्य प्राणियों और एक प्राकृतिक संसाधन और प्रकृति की सुरक्षा करते हैं, और वेतन के नाम पे हम लोग को सबसे एक चतुर श्रेणी का जो वेतन मान है वो वन कर्मचारी को दिया जाता है। तो यही वेतन विसंगतियाँ और भी कुछ जो हम लोग को अधिकार नहीं है कि हम लोग किसी अपराधी को पकड़ के बैठ के रखें, जेल में रखें, ये सब प्रावधान नहीं है। और भी बड़ी समस्याएं हैं, कर्मचारी को आवाज़ की समस्याएं हैं, मेडिकल नहीं है, और पौष्टिक आहार भत्ता वर्दी नहीं दी जाती है, मतलब कोई भी नहीं। यदि किसी को दूरांच अंचल में मकान भी मिलना है तो 100-200 रुपये में कहीं कमरा आजकल नहीं मिलता है। इसीलिए आज हम लोग विरोध स्वरूप में आज हम लोग 21 वन कर्मचारी केस त्यागे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ संवेदनाएँ जो उनकी मृत हो गई है, तो चुनाव के पहले हो सकता है कुछ जागें। अभी अशोकनगर में 4-6-10 महिलाओं ने अपना केस त्यागा है, और कल हरदा में भी 5 महिलाओं ने अपने केस त्यागे हैं। तो उसी के तारतम्य में आज हम लोग भी यहाँ पर 21 वन कर्मचारी जो है तो केस त्याग कर विरोध प्रदर्शन आज अपना किए हैं। कितनी मांगे हैं आपके? हम लोग की 19 सूत्री मांगे हैं, और ये हमारी हड़ताल जो अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगों का आदेश न कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, तब तक हम लोग इसी तरह अनवरत भूख हड़ताल में, और पूरा विभाग का जो भी कार्य है सब बंद है, चाहे नर्सरियाँ हो, चाहे विभागीय निर्माण कार्य हो, या रोपण हो। अभी मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड चालू होने वाला है जो रोपण वाला, नर्मदा का पिछले साल किए थे, और इस साल भी उनका 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। तो हम लोग किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों के संबंध में जायज कोई आदेश निराकरण नहीं करा जाएगा।